शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये कहानी हम में से किसी की भी हो सकती है, पर कहानी वही है। सब अपना कल संवारने की चाह में अपना आज खराब कर रहे हैं, कल जो किसी ने नहीं देखा। यह है हमारी पृथ्वी, जो कि करोड़ों सालों से अपने चांद को लेकर सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है बिना कोई गलती किए। इसी तरह 8 और ग्रह भी अपने अपने चांद को लेकर यही कर रहे हैं, और इन सबसे बनता है हमारा सौर्यमंडल। इसी सौर्यमंडल में कुछ ऐसी छोटी और बड़ी चट्टानें घूम रही हैं, जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स या मीटियोर्स कहते हैं। इनमें से कई तो हमारी पृथ्वी से भी बड़े हैं। ये एस्टेरॉइड्स और मीटियोर्स लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां वहां भटक रहे हैं, और कई बार ये ग्रहों या उनके चांद से टकरा जाते हैं। हमारे चांद पे जो दाग है, दरअसल वो बड़े बड़े खड्डे हैं जो कि इन्हीं एस्टेरॉइड्स या मीटियोर्स के टकराने से बने हैं। ऐसे कई एस्टेरॉइड्स हमारी धरती से टकराने भी आती हैं, पर हमारी धरती की गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से या तो जल जाते हैं या फिर काफी छोटे हो जाते हैं। कहते हैं कि डायनासोर युग का अंत भी एक बहुत बड़े एस्टेरॉइड के टकराने की वजह से हुआ था, पर जब से इंसानी युग की शुरुआत हुई तब से इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ। कोई तो शक्ति है जो ऐसा होने नहीं देती, या तो वो हम सब की किस्मत है या फिर ऊपर वाले की रहमत। पर अगर ऐसा कभी हुआ तो छोटी छोटी बघाती लंबी चोटी, गालों पे तिल है मेरे, आंखें मोटी मोटी, आगे पीछे मेरे, लेते हैं मुंडे फेरे, निकलूं मैं रात को या निकलूं सवेरे। उमरिया छोटी छोटी बलखाती लंबी चोटी, गालों पे तिल है मेरे, आंखें मोटी मोटी, आगे पीछे मेरे, देते हैं मुंडे फेरे, निकलूं मैं रात को या निकलूं सवेरे। वल्ला 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 गर्दा सारा मोहल्ला, वल्ला 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 गहर माशाल्लाह, वल्ला 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 गर्दा सारा मोहल्ला, वल्ला 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 ظهر ما شاء الله।
जहाँ भी जाऊँ आफत लाऊँ सबके दिलों की बेचैनी बन जाऊँ उसने कहूँ मैं तो दरिया मेरी हर अदा तो है जुदा वल्ला 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 करता सारा मोहल्ला वल्ला 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 कहर माशाल्लाह वल्ला 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 करता सारा मोहल्ला वल्ला 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 कहर माशाल्लाह देखे जो मुझे फिदा हो जाए पास आने के बहाने बनाए कहते हैं मेरा रूप झलिया ईमानों को लेता है चुरा उमरिया छोटी छोटी बल खाती लंबी चोटी गालों पे तिल है मेरे आँखें मोटी मोटी आगे पीछे मेरे देते हैं मुंडे फेरे निकलूं मैं रात को या निकलूं सवेरे हाय हाय What's your name? My name is Ileana. Where are you from? I'm Czech. Come to daddy. Come to daddy. Come to daddy. Come no. Come to daddy. What's your name? Besharam. Sheikh Chilli ki aulaad. Chalut. सारा दिन गंदे सपने देखता रहता है अरे सोने दो ना क्यों उठा रहे हो उसे अरे ये इस तरह सोता रहा तो इसे कोई काम नहीं मिलने वाला और मैं जिंदगी भर इसे बिठा के खिलाने वाला नहीं हूँ तो आपको ना मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है पिताजी मैं खुद अपना देख लूंगा और मम्मा मेरी एक बार नौकरी लग गई ना तो दिखा दूंगा मैं इनको अबे तुझे कौन नौकरी देगा इसे तो सीधे मैनेजर की नौकरी चाहिए छोटी मोटी नौकरी करना तो इसकी शान के खिलाफ है तो क्या हो गया मम्मा मैं अपना खुद का बिजनेस भी तो कर सकता हूँ ना हाँ अरे बिजनेस कौन देगा तुझे और बिजनेस के लिए पैसा कौन देगा तेरा बाप मेरा बाप तो खुद कड़का है पिछले 15 साल से वही खटारा स्कूटर चला रहा है मुझे क्या पैसा देगा क्या बात है देखा देखा कैसे जुबान लड़ाता है ये चल उठ आप ना ओ तेरी आज फ्राइडे है क्या फ्राइडे को प्राइम मिनिस्टर को मिलना था क्या हाँ पिताजी उन्हें मुझसे मन की बात करनी है जाऊं मम्मा मैं ना नहाने जा रहा हूँ जल्दी हाँ बच्चे गर्म पानी है हाँ जी गर्म पानी से नहा लो जाओ मेरा बच्चा लव यू मम्मा क्यों तंग करते रहते बच्चे समझ जाएगा लो जी नाश्ता करो देखा स्कूटर का मजाक बना रहा था इसे क्या पता घर कैसे चलता है ये पराठे पे बाहर का मक्खन क्यों लगाया घर में मक्खन नहीं निकल सकता जानते हो कितना महंगा पड़ता है वो ना जी सनी को घर का मक्खन अच्छा नहीं लगता वेरी गुड मम्मा मैं जा रहा हूँ बेटा नाश्ता तो करके जा मम्मा मैं दोस्तों के साथ बाहर कर लूंगा मैं तेरे लिए मक्खन बाजार का बाजार का मक्खन बेटा बाजार का मक्खन ठीक है मम्मा तो मेरे लिए भी थोड़ा बचा लेना सारा खत्म मत कर देना शट न्यू एज चिकन मियां कितना देंगे इसका 400 रुपए दूंगा चलो ठीक है 500 दो ले लो क्या झुट्टन मियां 450 चलो ठीक है तुम भी याद रखोगे किसी दानवीर से पाला पड़ा था दुनिया सुनो ना एक 50 रुपए उधार दोगे दुनिया
रुको, सैंडी आई हुई है, ऊपर तुम्हारे कमरे में वेट कर रही है। हम दोनों एक चैरिटी फंक्शन में जा रहे हैं। जरा प्यार से बात किया करो तुम सैंडी से। यू नो ना कि वो मेरी कितनी अच्छी फ्रेंड है। मैं और तुम्हारे डैड हम ये चाहते हैं कि तुम उससे शादी कर लो। तुम्हारे डैड और सैंडी के डैड ने एक जॉइंट वेंचर में इंडिया का सबसे बड़ा ब्रास एक्सपोर्ट हाउस खोलने का फैसला किया है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। या ताते लगे हैं मुझ में जो ऐसे बिहेव कर रहे हो। ऐसी भी क्या बुराई है मुझ में जो इतना अवॉइड करते हो। अभी शादी नहीं करनी है तो मत करो, थोड़े दिन साथ रह लो फिर डिसाइड कर लेना। नई कार भी तो टेस्ट ड्राइव के बाद ही ली जाती है ना। मुझे अपने डैड के पसंद की कार की ना तो टेस्ट ड्राइव में कोई इंटरेस्ट है ना ही उसे पाने में। यू नो मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है, कैन यू लीव। ठीक है, कल रात को क्लब 7 में एक पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना होगा, नहीं तो अभी मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं। प्लीज आई नीड टू रेस्ट, लेट मी सी मैं कल क्या कर रहा हूं। श्योर, थैंक यू। एंड टेक केयर। जिन लोगों के पास प्लेटिनम कार्ड है वो अंदर शुरू की 3 लाइन में बैठे, जिनके पास गोल्ड कार्ड है वो पीछे की 7 लाइन में बैठे, और जिनके पास सिल्वर कार्ड है वो लास्ट की 10 लाइन में बैठे। भाई साहब हमें अपना कार्ड सिल्वर से गोल्ड अपग्रेड करवाना। हाँ जी, हाँ जी, आइए 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 आइए। आप मुझे 42,000 रुपए दे दीजिए। सर डेबिट कार्ड पर आपका 2% एक्स्ट्रा लगेगा। क्या आप मुझे कार्ड दे दीजिए, मैं कैश दे देता हूँ। जय स्वामी सदन। जय स्वामी सदन। नालायक, अरे 8 बज रहे हैं और अभी तक जागा नहीं है। कल बताया था ना आज सत्संग है, बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। ये लड़का मेरा नाम बर्बाद करेगा, कौन संभालेगा इतने बड़े आश्रम को मेरे बाद, जमा जमाया बिजनेस बर्बाद कर देगा। कृपया थोड़ा इंतजार करें, इस समय स्वामी जी अंतर ध्यान में है और भगवान से डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस में है। कुछ ही समय के बाद वो आप सब लोगों को दर्शन देंगे। 10 मिनट में नहा के बाहर आ जा, कम से कम लोग स्वामी श्रद्धानंद के इकलौते बेटे की शक्ल तो देख लें। सुविधा केवल प्लैटिनम कार्ड वालों के लिए है। आशीर्वाद के बाद सत्संग शुरू होगा। कहाँ है तू? कौन सा ये रहा? ये रहा। ये रहा। चल आजा, चल बैठ, चल चल आगे। अरे आगे बढ़ यार। अरे ये क्या, तेरे बाप का स्कूटर है ये, इतना खटा। अबे नहीं, ये वो उससे कबाड़ी से लिया है मैंने, 200 रुपए एक दिन के भाड़े पे, लेकिन फाइनेंस बाप ने किया है। चल 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 चल। 80 बाबा की। आ,
सिर्फ तीन लोग, वो चौथी कार रहेगी स्वामी असीमानंद जी। ज्यादा मजाक मत उड़ा, मेरा नाम अस्सी है, सिर्फ अस्सी। क्या नाम है मेरा? अस्सी। और शीतल आती होगी। वैसे सन्नी जी, आप बताइए कल रात सपने में किसे देखा? अरे यार मत पूछ मत पूछ मत पूछ, कल गजब था यार सपना। यार कल जो सपना देखा ना भाई, अच्छा तुम दोनों भी थे मेरे साथ सपने में डांस बार में। ओ यार वो लड़की एकदम मेरे पास आ गई, मैं उसे टच करने ही वाला था कि मेरा बाप यार बिल्कुल एंड मौके पे उठा दिया यार। अब ये बताइए कपड़े कहाँ से मार के लाया तू? मार के मतलब मेहनत की कमाई है यार। मेहनत? तू सीरियसली? भाई दिमाग की भी मेहनत होती है। ओहो, तू ये बता प्रिया कैसी है? साले माँ है मेरी, सौतेली हुई तो क्या हुआ, थोड़ा सा तमीज से बात कर लिया कर। यार हमारे कॉलेज में तो हमारी जूनियर ही थी ना, तो हम तो प्रिया ही कहेंगे। अब तेरे बाप ने उससे शादी कर ली तो हम क्या कर सकते हैं यार। और वैसे भी भाई तेरा बाप तो मुरादाबाद का सबसे बड़ा ब्रास का एक्सपोर्टर है, वो तो चाहे जिससे भी शादी कर ले। हैं सर, पैसा उम्र छुपा देता है। वाह सर वाह, थैंक यू थैंक यू, क्या बात है। ओले आ गए। अरे टाइट है अभी स्कूटी पे। आ गई शीतल मैडम, अभी बड़की भी दिख रही है। क्या वो शीतल मैडम किसी ने छेड़ा आपको? तू बता अभी जाके फोड़ते हैं उसे। बॉस का फोन आया था, कह रहा था कि 2 घंटे के लिए ऑफिस आ जाओ, कुछ जरूरी काम। हाय अच्छी शक्ल भी क्या बुरी चीज है, जिसने भी डाली बुरी नजर डाली। वाह वाह सर। अरे हो गया, चल छोटू चाय पिला। दिल करता है ना इस बॉस के बच्चे को गोली मार दो, कल तो साले ने हद ही कर दी। मैं कमिंग सर। यस डियर राजा, मुझे एक मेल करनी है, प्लीज टाइप कर दो। श्योर सर। मैं साफ कर लूंगी, इट्स ओके। तुम इस ठरकी बॉस की जॉब छोड़ के नहीं देती? दूसरी जॉब भी तो मिलनी चाहिए ना राहुल। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं डैड से बात करता हूँ, लेट मी टॉक टू हिम, जॉब मिल जाएगी। नो राहुल, नो फेवर्स। छोड़ो ना यार, मट्टी पाओ। ये बताओ शाम को क्या करना है, क्या प्लान? मुझे तो वापस ऑफिस जाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, रात को फिल्म देखते हैं। अरे छोटू जरा न्यूज़पेपर लेकर आई हो यार। क्या यार, तो अभी क्या करेंगे? अरे रुक ना। हाँ तेरी ग्रेविटी 8:30 चले। इधर ला यार। हाँ पर मुझे कौन पिक करेगा? क्यों इस स्कूटी को क्या हुआ? ये बहुत परेशान कर रहा है, सर्विसिंग के लिए देना पड़ेगा, कल तक मिल जाएगा। तो डार्लिंग आई विल पिक यू अप। तू तो रह नहीं दे, पहले तो तू उस खटारा स्कूटर को धक्का लगवाएगा, फिर उसके पेट्रोल के पैसे भी मांगेगा मुझसे। एक मिनट, मैं 7 बजे शाम को ऑफिस से पिकअप कर लूं। हे गाइस ये देखो एक डॉक्टर भामा हैं जिनका कहना है कि 19 दिसंबर को एक एस्ट्रॉइड हमारी धरती से टकरा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ओह शिट, मुझे लगता है तुझे अपने डैड से बात करनी चाहिए, उन्हें बोल अपनी शक्ति से उस एस्ट्रॉइड को मार्स पे भेज दें। तुझसे कितनी बार कहा है यार मेरे बाप के बारे में कुछ मत बोला कर, सुनता क्यों नहीं है तू? अरे ये न्यूज़पेपर वाले अपनी न्यूज़पेपर में क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए ऐसी न्यूज़ छाते रहते हैं, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे रहेंगे हम लोग, रोज चाय पियेंगे यहाँ पर बैठ के। चलो गाइस मुझे जाना है ऑफिस वापस। अरे सुन शीतल, मुझे भी जरा आश्रम तक छोड़ देना, आज सत्संग है, नहीं पहुंचा तो पापा नाराज हो जाएंगे। वो नहीं नहीं, जाइए जाइए, सत्संग बहुत जरूरी है, प्लीज। चल बाय बाय, जा रहा हूँ, बाय बाय। यार राहुल तुझे लगता है सब हो सकता है? कैसा? यही दुनिया खत्म होने वाली बात। अबे तेरी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है यार, लाइफ में अब तक कोई मजे नहीं किए, किसी फिरंगन से मसाज नहीं कराई। भाई मैं ऐसे नहीं मरना चाहता, मैं तो सपने में भी बैंकॉक जाने के सपने ही देखता रहता हूँ यार। अच्छा ठीक है, वो भी कभी करा लेना। बता आज का क्या सीन है? पिक्चर के पैसों का जुगा। आ गया प्राइम मिनिस्टर से मिलके, मेरे स्कूटर के टायर कहाँ हैं? तुम्हारे टायरों पे बैठ के तो गया नहीं था, मुझे क्या पता कहाँ गए। अरे सनी बेटा, तेरे पापा के किसी ने स्कूटर के टायर चुरा लिए,
देख तो किसका काम है। मम्मा कैसी बात कर रहे हो यार, मैं कौन सा इस इलाके के चोरों को जानता फिरता हूँ कि मैं पता लगा लूंगा। पिछले हफ्ते स्टेपनी गायब और अब टायर, मुझे तो इसी पर शक है। मम्मा समझा लो इनको। शास्त्री जी देखो ऐसा है, अगर मेरी मदद चाहिए ना तो बोल दो, फालतू बात मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये छुट्टन कबाड़ी है, इसके पास पुराने टायर मिलते हैं, 1100 रुपए में दो दे देगा, 20 रुपए रिक्शा के। नए के पैसे तो होंगे नहीं वैसे भी आपके पास। देखा फिर से ताना मार रहा है। अब रहने भी दो, दे दो इसे पैसे, ला देगा पुराने टायर, दो ना। दे रहा हूँ। घबराओ ना, ज्यादा नहीं जाते, मेरी मेहनत की कमाई है। रिक्शा के 50 रुपए, रिक्शा के 20 रुपए। अरे दे दो, क्यों कंजूसी करते हो। तू चुप कर। देंगे इनके हाथ से निकले हैं कभी ज्यादा। और खिला मक्खन अपने लाल को। ओए जरा चल, मुझे छुट्टन कबाड़ी के छोड़ दे। भाई मैं उस साइड जा रहा था। अबे पहले मुझे छोड़ देना, तुझे कौन सा प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। चलो चल, चल। सीधा भी चला ले। छुट्टन मियां ये लो, सबसे पहले तो तुम ये 200 रुपए अपने खटारा के पकड़ो, बनते तो 100 भी नहीं है लेकिन दे रहा हूँ। और सुबह टायर दिए थे ना तुझे 450 में, ये ले वापस सही। 750 में दूंगा क्या, 3 घंटे में 300 रुपए का प्रॉफिट। चल एक काम कर, ये 100 रुपया रख, वरना अगली बार से सारा माल ना पहलवान को बेचूंगा। ये 10 रुपये और रखो, ये टायर घर पे छोड़ देना, और अगर पापा पूछे कितने का दिया है बोलना 1100 रुपये। सही है भाई, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। चलिए आ गए आवारा गिरदी करके छोटे स्वामी। पापा मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था। पापा, राजयोग में जन्म हुआ है तुम्हारा, मेरे बाद मेरी 10,000 करोड़ की संपत्ति के इकलौते वारिस हो तुम। कई जन्म लग जाते हैं इतनी दौलत और इतनी इज्जत कमाने में, तुम्हें सब आसानी से मिल जाता ना, इसलिए इज्जत नहीं करते हो। अरे नहीं चाहिए आपके 10,000 करोड़, वैसे भी अपनी मर्जी से एक फूटी कौड़ी भी खर्च कर पाया हूं मैं आज तक। ओह मेरी भी कुछ चाहते हैं, मैं भी कुछ करना चाहता हूं। एक KFC का जिंगर बर्गर नहीं खा पाया हूं मैं। तो तुम्हें मांस खाना है KFC जाकर। स्वामी जी जिंगर बर्गर वेज में भी आता है। तुम्हें कैसे पता। असीमानंद तुम इन तुच्छ चीजों के लिए नहीं बने हो, पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें। उनका खाने में क्या है भैया जी। पूरी भाजी ले आओ। ले आओ। मैं कम इन सर। आओ आओ शीतल, कल जब मल्होत्रा वाला एग्रीमेंट टाइप किया था मिल नहीं रहा वो। सर वो तो आपने अपनी सेफ में रखवाई थी। अच्छा आई एम सो सॉरी, ऐसे ही तुम्हें बुला लिया। ये बात तो फोन पे भी पूछ सकता था। चलो अब आइएगा तो बैठो, कॉफी पी लेते हैं। टू कॉफी प्लीज, वन विदाउट शुगर। काफी अच्छी लग रही है। कल शाम को क्या कर रही हो जी। मतलब कल शाम को एक पार्टी है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो, चेंज हो जाएगा। सॉरी सर कल शाम को मुझे बहुत जरूरी काम है। अरे एक कॉफी तो लेती जाओ। मैं अपनी डेस्क पे ले लूँगी,
अब आई गई हूँ तो कुछ काम खत्म कर लेती हूँ। क्या हुआ, आज भी घर पे कुछ? छोड़ो ना, तुम तो जानती हो घर पे तो चलता ही रहता है। तुम बताओ तुम्हारे बॉस को ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया था? तुम्हें तो पता ही है उसे क्या अर्जेंट काम होता है। नाइस जैकेट। थैंक्स यार। ऐसे कभी इससे पहले किसी को कुछ समझ में आए, चलो चलो छुपे नहीं है क्या? क्या फिल्म थी ना राहुल? यार ये डायरेक्टर ही जीनियस है, इसने एक और फिल्म बनाई थी चिल्ड्रन ऑफ मैन, वो भी सुपर। अरे गोरे ना किसी भी प्लेनेट पर पहुंच सकते हैं, किसी भी। वो तो है। बट भाई तेरा बाप जो अपने आश्रम में बैठे बैठे 9 के 9 ग्रह कंट्रोल करता है ना, बात तो गो देख साले। ओके ओ बेटा यहाँ आओ, यहाँ आओ बेटा। लास्ट क्या खाया था? समोसा। चटनी लाल थी या हरी थी? लाल क्यों? हरी खाया करो, कृपा नहीं शुरू हो जाएगी। ले बेटा अब लाल से भी कृपा आएगी। थर्मल बाबा वो देख क्या क्या तूने। चलो चलो, कोई आदमी दिखाई दे रहा है। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी 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 के बच्चों हम हेल्प कर निकी और पूछ पूछ हेल्प करना, उठने में नहीं। चलो ना। सब ठीक चल रहा है ना? हाँ बस सर, राइट सर। आराम से, गाड़ी मेरी तरह बुजुर्ग है। Thank you. That's it. Sorry, sir. Thank you very, very much. Thank you, ma'am. Thank you. याद आया, सर आप डॉक्टर भामा है ना? सर मैंने आपका फोटो आज के अखबार में देखा था। जी, मैं ही। Yeah! मुझे पता था डॉक्टर भामा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? Sir, civil lines. Civil lines. मैं अभी उसी तरफ जा रहा हूँ। मैं आप सबको छोड़ दूँ? हाँ, yes for sure, please. फोटो? हाँ सर छोड़ दीजिए। चलो चलो चलो, चलिए बैठो बैठो बैठो, पीछे आ जाओ। आराम से मोटो, आराम से, नाजुक गाड़ी है वो, दिख रही है सर। तो सर क्या सच में 19 दिसंबर को दुनिया खत्म होने वाली है? वो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है। सर आप यहाँ मुरादाबाद में क्या कर रहे हैं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी ये एस्ट्रॉइड्स और मीटियर्स को ट्रेस करने में निकाली है। पहले मैं इंडियन एस्ट्रोनॉमी एसोसिएशन का मेंबर था, लेकिन फिर लोग मुझे पागल समझने लगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड हमारी इस पृथ्वी से टकराने वाला है। और इस बात पर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, तो 20 साल पहले मैं यहाँ मुरादाबाद चला और अपने ही घर में मेरे एक लैब लगाई, जहाँ से मैं मीटराइट्स और एस्टेरॉइड्स को ट्रैक करता रहता हूँ। और अब मैंने साबित किया है। क्या साबित किया है? जैसे तुमने कहा 19 दिसंबर 2016 को एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड हमारी इस पृथ्वी से टकराने वाला है। अब मेरे लैब देखना पसंद करोगे? हाँ बिल्कुल सर। वो तो तुम? हाँ हाँ सर, हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लाई हयात आई कदा ले चली चले, अरे अरे खुशी ना है अपनी खुशी, चले आ जाओ आ जाओ, आराम से आराम से, देख के देख के देख। आ आ आ आ आ वाओ। सर इस टेलीस्कोप से क्या मैं उस एस्टेरॉयड को देख सकता हूँ? उस एस्टेरॉयड बहुत दूर है और ये बहुत छोटा है। मैं रेडियो टेलीस्कोप से देखता हूँ जो इस समय कंप्यूटर के साथ जुड़ा है। तुम अगर चाहो तो कंप्यूटर में देख सकते हो कॉफी। हाँ मतलब आप इतने प्यार से पूछ रहे हैं सर तो पी लेंगे। ठीक
सर थोड़ी स्ट्रॉन्ग यार, कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है? क्या एनर्जी है यार, तो ठीक है। क्या जगह है यार, क्या क्या चीजें हैं यार। ये क्या है? ये क्या है? ये तो टे ए, क्या दिख रहे तू? अस्सी सामने वाले घर में एक बहुत सही ग्रह दिख रहा है। बहुत अभी दिखा 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 मुझे दिखा दिखा दे। नो गाइस, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे घर को चली लगाया तो देख रहे हैं यार। हां यार, इट्स अ नाइस पीस। वाह, अब एस्टेरॉइड को ट्रैक करने का ये सॉफ्टवेयर जो है मैंने खुद ही डेवलप किया। अब वो जो बीच में नीला सर्कल वो है हमारी प्यारी सी पृथ्वी, ऊपर जो लाल सर्कल है वो क्या होगा? सूरज। वेरी गुड। और वो जो एक सफेद डॉट ऊपर से चल के आ रहा है वो क्या होगा? एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड, बहुत अच्छा। वो एस्टेरॉइड इस समय सूरज के ऑर्बिट में है, लेकिन जैसे जैसे ये पृथ्वी के और करीब आएगा तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का ग्रेविटेशन पुल इतना जबरदस्त है। और फिर दोस्तों 19 दिसंबर 2016 को ये एस्टेरॉइड हमारी प्यारी सी पृथ्वी से टकरा जाएगा। सर ये नंबर क्या है? एक डिजिटल काउंटर है जो हमें बताता है कि कितने वक्त के बाद ये एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकरा जाएगा। वो देखो 141 दिन 1 घंटा 50 मिनट और 12 सेकंड। इस समय ये एस्टेरॉइड पृथ्वी से 36 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन ये हमारी तरफ 90,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बढ़ रहा है। लगता तो नामुमकिन सा है, लेकिन है ये मुमकिन। अब ये हमारी पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमने के साथ साथ अपने एक्सेस पर भी घूमती रहती है। अब पृथ्वी के सतह पर 70% क्या है? पानी है। समुंदर, नदियां, झीलें, तालाब वगैरह वगैरह, ये सब के सब पृथ्वी पर चिपके रहते हैं पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। वो जो एस्टेरॉइड हमारी तरफ आ रहा है वो बहुत बड़ा एस्टेरॉइड है, और जब हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा तो वो जलने लगेगा, क्योंकि पृथ्वी के अलावा पूरी कायनात में ऑक्सीजन कहीं नहीं है। और जलने के लिए क्या बहुत जरूरी है? ऑक्सीजन। वेरी वेरी गुड। और जब वो करीब आ जाएगा तो उस एस्टेरॉइड के अंदर सूरज से भी 7 गुना ज्यादा आग और रोशनी होगी, और उसके अंदर 1,000 एटॉमिक बॉम्ब्स की शक्ति होगी। अब तो जाहिर सी बात है कि जब वो एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी से टकराएगा तो हमारी पृथ्वी बुरी तरह से हिल जाएगी। अब सोच लो, जब तमाम दुनिया में एक साथ एक भूकंप उठेगा, जब हर वाटर बॉडी में एक सुनामी मचेगी, तो फिर कोई बच सकता है क्या? पर रोकने का कोई तरीका नहीं है? मैंने बड़े बड़े साइंटिस्ट और नासा वालों से बात की है, देखते हैं क्या हो सकता है। सर ये आपका मीटर लगता है कुछ खराब हो गया है। जुपिटर के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एस्टेरॉइड ने अपना रुख बदल दिया। क्यों सर? पूरी रफ्तार से हमारी तरफ बढ़ रहा है और 7 दिन के बाद हमसे टकरा जाएगा। सर मेरे कैलकुलेशंस में इतनी बड़ी गलती।
सर सर क्या हुआ सर 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 पानी 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 सर सनीन की गाड़ी चालू करें, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। चाबी 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 मामा सर उठिए सर सुनिए सर सर अम्मा जी सर 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 चलो गाड़ी निकाल दी जल्दी लेके चलो चलो ये सब क्या है यार चलो निकलते हैं यहाँ से अरे मेरे बाप को तो ये भी पता नहीं है कि मैं घर पर नहीं हूँ ऐसे नहीं जा सकते असी पहले हमें पुलिस को फोन करना पड़ेगा पुलिस नहीं असी उसे ही कह रहा है कर पुलिस को फोन हेलो पुलिस स्टेशन तो तुम्हारा मतलब ये है कि साथ ही हम लोग मर जाने वाले हैं है? बिल्कुल ठीक सर इधर नजदीक सर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूँ हट असी पासवर्ड क्या था मैं क्या भामा का असिस्टेंट हूँ मुझे क्या पता पासवर्ड क्या था अरे तो ध्यान देना चाहिए था ना यार अरे किस चीज का यार राम इनकी डिटेल्स ले हो गया सर तुम लोगों की अगर जरूरत पड़ी तो कल थाने आना पड़ेगा अभी तुम लोग जा सकते हो जाओ हम लोग पुलिस स्टेशन में तुझे भी लाने के लिए भेजा किसी को चल आता हूं सनी शास्त्री अगर यही है क्या जी हाँ यही है क्या काम है इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया थाने में देख ले अपने सपूत का काम थाने से बुलावा आया है मेरी तो नाक ही कटवा दी है इस लड़के अरे पूछ तो लो सनी से हुआ क्या है बिना बात पता किए बड़बड़ करते रहते हैं अरे अपने काम से बुलाया पुलिस ने और अपना जिंदगी जीना शुरू कर दो 7 दिन बचे हैं दुनिया खत्म होने में मेरी दुनिया तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तू पैदा हुआ था शास्त्री जी जो मिला है ना उसकी इज्जत करना सीखो खराब घड़ी भी ना दिन में 2 बार सही वक्त बताती है मैं आता हूँ माँ चलिए सर ध्यान रखना हाँ लोकल इन्फॉर्मर कौन है शहनवाज है सर और बाकी के ग्रुप से इन्वॉल्व है सर रियाज की गैंग और शहनवाज से मिलकर कर रहे हैं ये नहीं सुधरेगा अंदर डालो से शर्मा चल क्या हुआ यार कुछ नहीं वो डॉक्टर भामा ओए इतना घबरा क्यों रहा है तू नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं कुछ तो है गया सर पांडे बिठाए ना कहाँ सर ऑफ कोर्स सर आराम
हाँ 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 मेल में ही होगा, मैं बताता हूँ। सर और कितनी देर बैठना पड़ेगा यहाँ पे? शुक्र करो कि जेल में बिठा के नहीं रखा है। जब तक कागजी कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती चुपचाप बैठे रहो यहाँ पे। सर यहाँ पेशाब के लिए भी जगह नहीं है, मतलब टॉयलेट कितना गंदा है यहाँ पर। डायपर बांध ले या दो घंटे रोक के रख, किडनी नहीं पड़ेगी तेरी। सर आप जबरदस्ती हमें यहाँ ऐसे बैठा के नहीं रख सकते। ओए राउडी राठौर, मैं क्या कर सकता हूँ इसका अंदाजा नहीं है तुम्हें, समझे? अरे हाँ, अरे नहीं नहीं मैं बात कर रहा था उससे, उसने बताया नहीं तुमको? तुम लोगों सब कोई भी पेपर साइन नहीं करवाना है, तुम लोग जा सकते हो, जाओ। चलो साला प्रताप पूरा दिन पी गया है। हाँ यार। 7 बजा दिए यार, कोई तरीका है? चलो गाइस मैं तो अभी घर जा रही हूँ। हाँ घर क्यों यार, कहीं क्लब व्लब चलते हैं गाइस, दुनिया खत्म होने वाली है, तुम घर जाने की बात कर रहे हो, कुछ तो मजे कर ले यार। ये यार ये बियर वाले पजामे में क्लब जाऊंगा मैं, और मैं इन कपड़ों में। चलो शॉपिंग करने चलते हैं। आ रहा है। और पैसे किसके पास हैं आप? देखो यार अब सिर्फ 6 दिन रह गए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चल राहुल ये नो यार, नो नेवर यार, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। तो गरम है यार। ओए ओए बेटे, हेलो, तुम्हें पता है ना हम कब से पार्टी कर रहे हैं? भाई मैंने सोचा यार इसी क्लब में चलते हैं पार्टी करने, प्लीज। सनी शर्म कर, तेरे गरीब बाप ने इस क्लब की लाइफटाइम मेंबरशिप ले रखी है ना, कैसे जाएंगे अंदर? तो मैं आना ही। असली तू बहुत मीन होता जा रहा है, मैं बचपन से ऐसा हूं। तू नहीं था बचपन से? 1 मिनट मैं जुगाड़ करता हूं। हाय सैंडी। सैंडी सैंडी राहुल, हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हे, आखिर तुम टेस्ट राइड के लिए आ ही गए हैं? वो मेरे 3 दोस्त और हैं साथ में, कैन दे आल्सो कम? हाय। आ, श्योर, व्हाई नॉट? राहुल, यू नो, आई एम सो हैप्पी। व्हाटएवर। ये देखो हमारा पूरा दिन खराब करके अब यहाँ पर दारू पीने आया है। नहीं नहीं बॉस, मुझे क्या लग रहा है ना, इसको रियलाइज हो गया 6 ही दिन बचे हैं, जितनी दारू पीनी है पार्टी करनी है कर लो फिर गए। दारू 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 दारू। हाँ एक्सक्यूज मी, हाँ 4 विस्की कर दो लार्ज, 4 टकीला कर दो, इनफैक्ट 8 टकीला कर दो, हाँ 8 कर दो, और लेते आते रहना, ठीक है? थैंक यू। बड़े हैंडसम लग रहे हो, बात क्या है? अरे मेरा बॉस यहाँ क्या कर रहा है? कौन? मेरा बॉस। बॉस? एक्सक्यूज मी। तुम लोग रुको, मैं भी आ रही हूँ। ऐसा बॉस है? ही इज बिग बॉस। एक्सक्यूज मी, यस, इस ठरकी बुड्ढे से ना पैसे पहले ले लेना। व्हाट? बाद में बहुत नाटक करता है। मेरे भी पिछली बार के पैसे नहीं दिए अभी तक। ओके बाय। वो तो ड्रिंक, अभी ड्रिंक खत्म नहीं किया। घर चलो, तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे ड्रिंक निकालती हूँ बाहर। सीधा तेरी नौकरी तो खाई। 6 दिन बचे, कल ही भी नहीं है मुझे इस ठरकी बॉस की नौकरी। बड़ा मजा आ गया बदला लेकर। Cheers to that, चलो। दारू है और क्या? जब बताया ना मैं दारू नहीं पीती। जा मेरे जूस से करा। राहुल, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे दोस्तों में एक बच्ची भी है जो जूस पीती है?
Anyway, Rahul, come on, let's hit the dance floor. Rahul. अरे बस कर किसकी है? ऐसा नहीं, रात को क्या पिलाया तूने? दारू यार, कल रात के बारे में कुछ ठीक से याद भी नहीं आ रहा यार। हम यहाँ यार, मैंने सोचा 4-5-6 डिफरेंट तरीके की मिला दूंगा तो ज्यादा मजा आएगा। वैसे ही 6 दिन तो बचे हैं। 5? हाँ, अब 5 दिन रह गए। ओह हाँ हाँ, अब क्या करेंगे? पहले यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं शहर कितना दूर है। चलो यार। क्या हुआ? क्या हुआ?
गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, शायद इसीलिए हम लोग यहाँ रुके, नहीं तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाते। हाँ तो अरे ये पेट्रोल पंप नाम का है, सिर्फ पंप ही पंप है, पेट्रोल नहीं है। अब तो अब क्या करें, पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? यार तुझे पता है मेरे मामा के पास ऐसी 3 गाड़ियाँ हैं। अच्छा वो क्या करता है? वो भी पापा की तरह स्वामी है। अच्छा मतलब लोगों का मतलब बनाता है। हाँ यही लोगों से पैसे मांग मांग के चला रहे हैं। यार सब लोग इधर आओ। वाओ यानी हम लोगों ने रात को सिर्फ गाड़ी नहीं पैसे भी चुराए। हमने नहीं तूने चुराए होंगे। कम ऑन ले क्या ढूंढ रहे हो? यार मेरा वॉलेट कहाँ गया पता नहीं, कहीं गिर गया होगा। तुम में से किसी के पास पैसे हैं? असी पैसे सन यार, लेकिन ये हमारे एक दो तीन मैं पेट्रोल लेकर आता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। गुड आइडिया, तब तक मैं इस बैग की रक्षा करता हूँ। एक्सक्यूज मी सनी, क्या ये 3,000 रुपये? वो रहा है, कोई ना कोई लिफ्ट मिल जाएगी। पेट्रोल ले आप प्लीज। क्या है? क्या कर रहा है यार तू भी? अरे यार यार ये खाली पेट की गैस है यार, सुबह से कुछ खाया नहीं है तो गैस तो बनती है ना। ये ले वहां झाड़ी के पीछे जा। हाँ यार ये जाना एक बार यार। कर लेना कहाँ फंस गए यार? क्या हुआ था तुम्हें कल? ऐसे तो तुम शराब नहीं पीती, कल हदी कर दी तुमने। तुम्हें क्या हो गया था? तुम बड़ा उस आंटी के साथ चिपक चिपक के डांस कर रहे थे। किसे फोन कर रहे हो? चेक कर रहा हूं हम कहां हैं। इस वक्त हम टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में हैं, मुरादाबाद से अप्रोक्सीमेटली 600 किलोमीटर दूर। क्या हुआ? क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? ये पानी नहीं वोडका है यार, मेरा पूरा जिया जल गया। ट्रैक्टर वाले बाबू सनी आ गया। चल ट्रैक्टर वाले बाबू ने बस बस बस, ये मेरा दोस्त है इकबाल। थैंक यू इकबाल। हेलो हाय। हेलो खाना खिला रहा हूँ इसे। गाइस अरे ये तो ठीक है, पेट्रोल कहाँ है? धीरे 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 राहुल आ गया। हाँ क्या दौड़ाता है ट्रैक्टर यार, ये गाड़ी बेच के ट्रैक्टर ही ले लेंगे। चल सनी पैसे दे। यार गाड़ी में पैसे भरे हुए हैं, तू मेरे से पैसे मांग रहा है? अभी देखो 3,000 रुपये दिए थे ना, कहाँ गए? चल शराफत से दे। हैंडसम कम है, चल सारे रख ले, क्या याद करेगा। गाइस आप क्या कर रहे हैं? करना क्या है? इतने पैसे हमारे पास, बैंकॉक चलते हैं। हाँ और राशन कार्ड तो है ही, पहुँच जाएंगे। पासपोर्ट कभी बनवाया भी है लाइफ में? बैंकॉक जरा चेक करना, वापस जाने का रास्ता। वापस जाने का रास्ता मतलब? अबे वापस क्यों जाएंगे, पैसे हैं, गाड़ी है, कहीं और चलते हैं यार। और हम जाएंगे कहाँ? देख 5 दिन बचे तो मनाली वगैरह तो लंबा पड़ जाएगा, यहाँ से गोवा।
गोवा चलते हैं गाइस, बीचेस, कैसिनोस, सी फूड, सस्ती दारू और मशरूम्स। और वहां जाने के लिए तो पासपोर्ट भी नहीं चाहिए यार। लेकिन सुनो, अभी हम लोग टीकमगढ़ में हैं, यहाँ से गोवा 1500 किलोमीटर दूर है अप्रोक्सीमेटली। चलना है? यार सनी, मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देख यार शीतल, चिल कर, सिर्फ 5 दिन रह गए, गोवा जाते जाते सिर्फ 4 दिन रह जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जितने नेगेटिव थॉट्स हैं ना, इन सबको निकाल के बाहर कर। लेकिन वो पैसे हमारे नहीं हैं। अरे तो क्या फर्क पड़ता है यार। मुझे एक बात बता, जिसके भी ये पैसे हैं, वो भी 5 दिन का ही मेहमान है, करेक्ट? और ऐसा तो है नहीं अगर उसको ये पैसे 5 दिन में नहीं मिले तो मतलब वो भूखा मर जाएगा, राइट? यार ये लड़का कभी कभी सही बात कर जाता है। थैंक्स असी, तू ही मेरे इमोशन समझ पाता है बस। चौधरी अकेला है, पास आने दे। छोटी छोटी बलखाती लंबी चोटी भाई, ओ क्या कर रहे हो, ओ कहाँ ले जा रहे हो यार? ओ भाई भाई सॉरी, अच्छा सॉरी, अभी मुंह तुम्हें ऐसे खुले में यार, बड़े रूड लोग हो यार। अरे भाई क्या कर रहे हो भाई साहब, ए बैठ, बाथरूम निकालने की क्या जरूरत है? अरे क्यों ले जा रहे हो भाई, मुझे बताओ। सालों बजाओ, दूल्हा आ गया। रुपा वोट, देख तेरा दूल्हा है। चाहते क्या हो, कहाँ ले जा रहे हो भाई साहब? मुझे किसकी शादी हो रही है यार? अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? ए, आज तेरी शादी है मेरी बहन से। शादी का शुभ मुहूर्त निकला था, सुबह से कोई लड़का नहीं मिला, इसके लिए तुझे उठा लिया। इसे पकड़वा शादी कहते हैं। अरे यार कैसी, हमारे इलाके में होती रहती है। चल यार, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होती ऐसे शादी। चल चल, अरे मुझे नहीं करनी शादी अंकल जी, हटाओ यार। अरे आंटी जी मुझे नहीं करनी है ऐसा भी। यार क्या कर रहे हो यार, आप लोग बचाइए कुछ, बोलिए ना। अब आप साथ फेरे लीजिए हैं, अब आप साथ फेरे लीजिए। अरे नहीं, मैं नहीं लूंगा फेरे। हाथ पकड़, उठ। अरे क्या जबरदस्ती की बात है यार, हाथ पकड़। ये गलत है, भगवान पाप देगा आपको, मोटी दुनिया खत्म होने वाली है, तुझे शादी की पड़ी है। हाथ पकड़, ये गलत है, कानूनी तरीके से गलत है ये। अब आप बैठिए, तालिया। दुल्हन की मांग में सिंदूर भरिए। पागल हो क्या, मैं नहीं भर रहा। है, मांग भर। भाई साहब ये कोई बात होती है क्या आप? क्या? अरे यार कमाल है, हद हो गई। अब आप मंगलसूत्र पहनाइए। भाई साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ, दीदी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ये मैं क्या करूँ? अब विवाह संपन्न हुआ, मुबारक हो। चलिए कहाँ? मंदिर। मुबारक हो भाई साहब। कराऊं? बहुत जोर से लगी है। जब तुझे उठाया था खेतों से तब कर तो लिया था भाई साहब, आपने तो आधे से ही उठा लिया था। और एक बात बता, तेरी बहन से शादी करी है ना मैंने? जीजा हूं ना तेरा, तमीज से बात कर। सॉरी जीजू, लेके चल। चलिए चलिए। आज मेरे बहन की शादी है, आज मेरे बहन की शादी है, बहन की शादी है आज मेरे। सनी भाग 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 भाग। राहुल 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 तू आ गया यार, भाग भाग भाग, चल 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 चल, पीछे पीछे पीछे, जल्दी जल्दी ले निकाल, भगा 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 भगा। लेकिन यार राहुल, हमें वहाँ पर थोड़ी देर और रुक जाना चाहिए था, इसकी सुहागरात भी मन जाती। हाँ
सालो स्वागरात क्यों मेरी गोद में रही तक रुक जाते हैं। रुक तो जाते यार, लेकिन अब दुनिया खत्म होने में भी सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। लेट्स गो टू गोवा। चाय बहुत अच्छी है ना? और बहुत जरूरत भी थी यार, झपकी लग रही थी, नींद आ रही थी। शादी के बाद जरूरी होता। दो चाय देना। प्रताप यहाँ क्या कर रहा है? कौन प्रताप? यहाँ भी पहुंच गया। कल रात को ये भी था ना क्लब में? अरे हाँ यार, फिर चलो इसको चल के सब कुछ बता देते हैं। हो सकता है इसे पता हो कि कल रात हमारे साथ हुआ क्या था। ए, नहीं यार, एक दिन वो पहले ही बर्बाद कर चुका है हमारा, पागल है क्या? अगले 5 दिन भी पुलिस स्टेशन में बिताने हैं क्या? अभी यहाँ से निकलते हैं, इसने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। राहुल तू पैसे दे, तू गाड़ी निकाल। हाँ ये भी ठीक है। बहुत थक गए, यहीं कहीं रुक जाए आज रात को। यार रुक तो जाए, लेकिन रुके कहाँ, कोई होटल भी तो दिखाई नहीं दे रहा। यार वो देखो राइट में वो हवेली सी दिखाई दे रही है, वहां चल के पूछते हैं, कोई ना कोई तो हेल्प कर ही देगा। हाँ यार, और हेल्प के साथ साथ शायद कुछ खाने को भी दे दे। चलना सनी, चलो। हाँ पक्का अंदर चलना है ना? हाँ हाँ चलो चलो। ये कैसी जगह है यार? ऐसी जगह मैंने सिर्फ फिल्मों में देखी है, लाइफ पहली बार। बहुत आराम से टाइप फील आ रही है यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे कुछ ज्यादा पसंद भी नहीं करते, तुझे तो इंसान भी नहीं करते। फिर भी चलो। गाइस मुझे नहीं लगता अंदर कोई होगा। हाँ इतनी सारी लाइटें तो डे नाइट मैच के लिए लगाई है ना। कितने BHK होगा ये? हाँ क्या यार, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम बुलाया। सेनेटर अमर, हाल तुम्हें यार? बेलवेल होते हैं यहाँ पे? एक्सक्यूज मी, ये तो खुला है। खुला है तो चलते हैं। बॉस मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे गेट को खुला छोड़ता है यार अपने घर का। हाँ। कोई भूतिया रामू काका हुआ तो। जी कहिए। जी हमें यहाँ के मालिक से मिलना है। कौन है माधव सिंह? वो एक्चुअली हम काफी दूर से आए हैं और हमारी गाड़ी थोड़ी सी खराब हो गई है, हमें आज रात के लिए रुकने की जगह चाहिए थी। हम एक कमरे में एडजस्ट हो जाएंगे। ये कोई धर्मशाला नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। रुको माधव सिंह, आप लोग रह सकते हैं। माधव सिंह गेस्ट रूम दिखाना। थैंक यू मैम। थैंक यू रानी जी। खाना तैयार है, आप लोग खाना खाएंगे? नो मैम। नो इट्स ओके, भूख तो लगी है। ये इतनी बड़ी हवेली में आप अकेली रहती हैं? हाँ। मतलब आपकी फैमिली, हस्बैंड, बच्चे वगैरह? पति को गुजर के 10 साल हो गए, बेटा अमेरिका में है, बेटी की शादी हो चुकी है। We are sorry to hear that, man. ऐसे गुस्सा हो गया यार यूं? सो जाओ यार, इतना बड़ा घर है, एक और रूम दे दो ना।
छलनी। हो जाओ। थैंक यू, हम लोग यहीं एडजस्ट कर लेंगे। शुक्रिया। सनी, तेरा दिमाग खराब है? रात को फ्री में रहने के लिए इतनी अच्छी जगह मिल रही है और तू लग्जरीज की डिमांड कर रहा है। ए, सो जाओ। यार सोने भी नहीं दे रहे। कमरे में बुलाया। ओ रानी साहब सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपका कमरा है। मैं तो बस बाहर यूं ही टहल, मैं चलता हूं। रुक जा, अब आ ही गया तो बैठ जा। बैठूं? उससे पहले दरवाजा बंद कर दो। लॉक भी कर दो, कहीं दोबारा खुल ना जाए। आओ बैठो। हाँ वो मेरे दोस्त सारे सो गए थे तो मैं। आपको नींद नहीं आ रही? हाँ हाँ मुझे भी। Are you feeling hot? हाँ कुछ गर्मी सी लग तो रही। ये कौन है? माय हस्बैंड, फॉरगेट हिम। टेल मी, वुड यू लाइक टू ट्राई समथिंग न्यू?
जरूर. Give me a moment. I'll be just right back. तेरे कितना कितना तेरे कितना. Darling. Hello. Let's play a game of hide and seek. Hide and seek? Yeah. Okay. Give me your hand. ये क्या कर रही हैं आप रानी जी? Making you comfortable. Please give me your other hand. Very relaxed, very relaxed. Then let's begin. I want you to relax. Oh, 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 oh. I hope I'm not hurting you. No. Oh, no. Ah. I hope you're enjoying. Very much, very much. Rani ji, itna maza aa raha hai. Mera bhi dil kar raha hai ki yahi cheez main aapke saath karu, please. You mean it? Yeah, I really mean it. Please, mujhe ek mauka dijiye. Oh, sure. Yeah, thank you, thank you. Hide and seek, hide and seek. Bada maza aayega. Yes. Ye apna haath dijiye. What a lovely hand. Thank you. मजा आ रहा है आपको रानी जी? Oh yes. Oh yes, 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 yes. Honey. I'm right here. कितना मजा आ रहा है ना? Oh yes. What are you doing? 50 shades of grey, huh? 50 shades of grey. 50 shades of grey. 50 shades of grey. तुम लोग हंस रहे हो? सुबह मेरा कूले में मारा यार उसने. वैसे एक बात बताओ बस्सी, आज ना तेरी भी सुहागरात तक के लिए रुकी जाना चाहिए था. तेरी तो 50 शेड्स ऑफ ग्रे पड़ते हैं यार वो. सनी यार साउथ गोवा चलते हैं, वहां पर बेस्ट होटल्स हैं एकदम वो सी साइड वाले. भाई मैंने तो सुना है कि फिरंगने और बंदियां तो नॉर्थ गोवा में होती हैं, और अगर पार्टी सीन करना है तो नॉर्थ गोवा बेस्ट है. तो ठीक है, ठीक है. हां नॉर्थ 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 देख लेंगे, पसंद नहीं आया तो साउथ आ जाएंगे. ये भी ठीक है. अरे यार वो पुलिस क्यों रोक रही है हमें? पेपर्स कहां है हमारे पास? नहीं शायद 150 देके छोड़ दे. ऐसे ले ऐसे. सर आगे एक्सीडेंट हो गया है तो जाम लगा है. राइट होके कैंडुलम से निकल जाइए. ओके सर, ओके. चलो चलो, जाम लगा है ना सर. हां थैंक यू सर. जाम देखो, जाम कितना. सर वो लोग गोवा पहुंच चुके हैं और कैंडुलम की तरफ जा रहे हैं. नॉट बैड. छोटा है, काम चला लेंगे. एक्सक्यूज मी, वेलकम टू गोवा. व्हाट कैन आई डू फॉर यू? We need 4 rooms. सबसे महंगे वाले rooms. Expensive. So. Thank you. Thank you. Good guys, see you in the morning. Tada. Bye. Bye. Tada. Can you sign it? Sure. Thank you. कहाँ जा रहा है? Room में. सी बात कर रहा है यार, 4 दिन बचे हैं, चलना उसी बाहर चलते हैं, कुछ मसाज मसाज कराते हैं. पहले मुगलई खाना.
चल ठीक है। मजा आ गया यार। क्या खाना है यार? यार ये वेज चीजों को हटा दो राकेश यहाँ से, हमें नहीं चाहिए। और वो कीमा आ रहा है सर। हाँ लाओ लाओ जल्दी लाओ। यार तुझे पता है मेरे बाप को पता भी चल गया ना गोवा में बैठ के मैं मांस खा रहा हूँ तो भस्म कर देगा मुझे वो। देख भाई ऐसा है, चार दिन बचे हैं तो मरने से पहले जो करना है वो करके मरते हैं ना। कीमा सर। थैंक यू यार राकेश। थैंक यू राकेश। जिस दिन तुम रोशन हो जाओगे ना उस दिन तुम राकेश रोशन हो जाओगे। थैंक यू सर। बॉस का मैसेज आया, यू आर फायर्ड। इतने लेट मैसेज किया। कम से कम तुझे कोई याद तो कर रहा है। आई एम श्योर मेरे डैड को अभी तक रियलाइज भी नहीं हुआ होगा कि मैं घर पे नहीं हूं। राहुल अपना फोन दो। फोन दो। अगले चार दिन तक हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और चार दिन बाद कोई डिस्टर्ब करने वाला होगा नहीं। राहुल तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा? किस बात का? मौत का? कुछ खोने का? लगता नहीं कि अब तुम मसाज के लिए आ पाओगे। चलो अल्लाह हाफिज। भूल भाल के तू सारी दुनिया जान ले मैनू और सजनिया हो ना। भूल भाल के तू सारी दुनिया जान ले मैनू और सजनिया पलका दी चादर नीचे तेरी प्रीत द चलदा दरिया उड़ जावा तेरी होर मैं पतंग तू डोर उड़ जावा तेरी होर मैं पतंग तू डोर तेनु आँख दारवा तेनु जप दारवा तेनु तक दारवा Thank you.
Hi. Hi. What's your name? Minusa Ilian. I love you. I'm Sunny. Razia. Hi, I'm Asi. जी तो बस आपसे ये कहना था कि मुझे आपसे प्यार हो गया है. 5 मिनट में प्यार भी हो गया? नाल नाल तेरे नाल यू रहंदा, तेरे दिल दा बना परिंदा. नाल नाल तेरे नाल यू रहंदा, तेरे दिल दा बना परिंदा. उड़ते कोई मुल्क नहीं है, तेरी दुनिया दा मैं बशिंदा. हो हुण चाहिदा नहीं कुछ होर, ओ मेरी डोर. हुण चाहिदा नहीं कुछ होर, ओ मेरी डोर. तेनु आखदा रवा, तेनु जपदा रवा, तेनु तकदा रवा. ओ दिन रह तेनु तकदा रवा, तेनु तकदा रवा, तेनु तकदा रवा. I love you, Sheetal. पहले क्यों नहीं बताया? इतना वेट क्यों करवाया? क्योंकि अब डर लगने लगा है, मौत का नहीं, तुम्हें खोने का. रात को मैं जल्दी सो गया था, ये लोग घूमने गए थे, शायद अभी तक सो रहे हूँ. मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ये दोनों कौन है? वेल, ये है इलियाना, मेरा प्यार, और ये है रजिया, मेरा प्यार. और ये प्यार हुआ कब? कल रात, रात को. आओ, सिट सिट. लेडीज, प्लीज. ओके, एक बात बताओ, तुम कमीनों के साथ ये दोनों मान गई, वो भी इतनी जल्दी कैसे? क्या हुआ ना, हमने इन दोनों को समझा दिया कि दुनिया 4 दिन में खत्म होने वाली है, और अब तो 3 ही बचे हैं, तो सिंपल. सनी, तुझे इंग्लिश आती है? जान, इंग्लिश तो इसे भी नहीं आती है. तुम दोनों एक दूसरे की बात कैसे समझते हो? प्यार की भाषा, लैंग्वेज ऑफ लव. वाओ, तुम
दोनों नहीं समझोगे। अरे ये भी है देखा। अच्छा एक सवाल था, अब प्लान क्या है, करना क्या है? पहले शॉपिंग। मैं पिछले कुछ दिनों से नहीं कपड़ों में हूँ, मुझे तो वो शॉपिंग जाना है। चलो शॉपिंग। ठीक है तो मैं गाड़ी का जुगाड़ करके आता हूँ। उस गाड़ी में हम छह कैसे बैठेंगे? दोस्तों के लिए कुछ भी। क्यों राहुल? Yeah, life यार। I know। लेकिन यार पता तो चला जब ज़्यादा बची नहीं है। क्या बात बोली है सर। हेलो। hey। असी मुझे जेट स्की पर राइड दो ना। हाँ तो चलो। भाई जेट स्की पर और कौन कौन आ रहा है? हाँ मैं और इलियाना भी आ रहे हैं। चलें बेबी। चेशन सर। सनी। तुझे जेट स्की चलानी आती है? बेटा चला तो मैं हवाई जहाज भी लूं, मौका मिलना चाहिए। लेट्स गो। चलो जेट स्की। लेट्स गो फॉर यू। से चलो। यहाँ से यूँ लेट के समंदर को देखना कितना अच्छा लगता है ना। जरा आप समंदर को देख रहे हैं या लड़कियों को? भाई एक सच बात बताऊं, इलियाना को देखने के बाद ना किसी और को देखने का दिल नहीं करता। और बाकी सब तो मोह माया है स्वामी जी, मैं तो समंदर ही देख रहा था। समझ में कैसे आया? प्यार की भाषा मेरे भाई, प्यार की भाषा। वाह जनाब वाह वाह। यार वो वो देखो वो कौन है? कौन लोग हैं वो? कौन मेरे भाई? ये चेहरा तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। यार ये वही है क्या जो उस रात क्लब में था? क्या बात कर रहा है? ओए
ये लोग हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? अरे ये तो आते ही जा रहे हैं, चलो भाग 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 शहीद हो जाते। हमें लगता है हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। बिल्कुल सही कहा, तुम लोग वाकई में बहुत बड़ी मुसीबत में हो। क्या समझे थे? मेरा माल, मेरी गाड़ी लेकर तुम लोग भाग जाओगे? और भाग के आए भी कहां? मेरे ही इलाके में। सर हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। एक्चुअली सर हमें तो पता ही नहीं कि हमने किया क्या है। और सर आपकी गाड़ी तो नीचे खड़ी है पार्किंग में, मैंने अभी 5 मिनट पहले उस पे कपड़ा मारा है। पैसों का बैग भी उसी में है सर। हमने हद से कितने 2-4-5 लाख रुपए खर्च करे होंगे सर, जो कि हम आपको सर 4 दिन में वापस कर देंगे, मम्मी कसम सर। सर मम्मी कसम बहुत रेगुलरली खाता है सर, अगर कह रहे तो। अच्छा लेकर आओ मेरा माल। कश्मीरी जाओ उसके साथ। हाँ सर, कम कैश। ले, ले, ले। कहाँ है मेरा माल? सनी बैग का है। ना बैग है ना गाड़ी, दोनों चीजें चोरी हो गई सर। क्या कह रहा है यार तू? सर आप सर कैसे हो गया सर ये? मतलब बहुत गलत हुआ है सर, आपके इलाके में आपके नीचे से आपका बैग, आपका पैसा, इस तरह आपकी गाड़ी यूं गायब हो गई, बहुत गलत है सर। सर आपको एक्शन लेना चाहिए। आप एक्शन लीजिए सर, तब तक हम लोग आते हैं। बकवास बंद करो, वापस आओ, वापस आओ, आओ वापस आओ। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास मेरा माल वापस करने के लिए, वरना तुम्हारी ये 3 आइटम्स को उड़ा दूंगा। नहीं सर, सर प्लीज ऐसा मत बोलिए सर, हम तो ऑलरेडी आपके इलाके में हैं। सर इन तीनों की शक्लें देखिए सर, कितनी डरी हुई हैं तीनों। सर सर 4 दिन में आपका सारा पैसा वापस आ जाएगा सर, मम्मी कसम सेकंड टाइम। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 24 घंटे। और एक बात याद रखना, मेरा एक आदमी साया की तरह तुम्हारे साथ रहेगा। चलो। कश्मीरी जी, थोड़ी सी एक प्राइवेट बात कर लें। ठीक है, मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ जी।
क्या यार, मस्ती करने आए थे, यहाँ उल्टा ही लटक गए। इस वक्त सिर्फ एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? इंस्पेक्टर प्रताप। पागल हो गया है तू? उसके पास जाएंगे उल्टा हम ही फंस जाएंगे। इससे ज्यादा क्या फंसेंगे असली? उस रात पार्टी में वो भी था, शायद उसे पता होगा कि आखिर हुआ क्या था। चलो ये भी करके देख लेते हैं। चलो। अरे यार कपड़े चेंज कर लेंगे जल्दी से, बहुत बदबू आ रही। कर ले। अरे भाई साहब, इंस्पेक्टर प्रताप कहाँ है? अंदर। अच्छा तुम लोगों को आना ही पड़ा मेरे पास। क्या हुआ, डिकॉस्टा उठा ले गया तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स को? सर ये आप किस? हैरानी हो रही होगी ये सब मुझे कैसे पता। सर हम हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमें बताइए उस रात पार्टी में आखिर हुआ क्या। हाँ सर प्लीज। सर क्या हुआ था सर? बॉस कोई बात नहीं, तुम उनका बाहर वेट करो और मुझे बताओ वहां पर क्या हो गया। ठीक है बॉस। उस रात उस पार्टी में तुम लोगों ने बहुत पी ली थी, फिर गोवा पुलिस से हमें खबर मिली कि डिकॉस्टा एक बहुत बड़ी डील करने के लिए वहां आ रहा है और वो डील उस रात उस पार्टी में होनी थी। Okay, on three. Three. Two. ये strong बना है टेकीला बहुत यार। One last बात का। क्या हुआ? मेरे बगैर रह नहीं पाए? ओए, क्या कहा था मुझे? बच्ची। अब बोल। देखते हैं हम दोनों में से पहले कौन आउट होता है। ब्रेकिंग न्यूज, तुम तो ऑलरेडी आउट हो। मैं और आउट। ये नॉट आउट है। ओके शीतल बॉटल नहीं है, बॉटल से दूर रहना। देखते हैं किसमें कितना दम है। कम ऑन नॉट शीतल। डिस्गस्टिंग। राहुल सिर्फ मेरा, उसको हाथ भी लगाया ना तो तेरे मुंह से। डर गई मुझसे। क्या है? यार ये सानी ने मूड खराब कर दिया यार। ये क्या? टेकिला। कहीं और चलते हैं यार। अरे हेलो अंकल, ये आपका रह गया बॉस यहाँ पे। चलो यार। कहाँ चलो यार? लेट्स गो, लेट्स गो, कहीं और चलते हैं। चलो 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 चलो। सर क्या भाई? सर ये जी ठीक। वेल थैंक यू। जय माता। आना जरा। ये लो। रोको 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 ओ भैया। ये हमारी कार। कार सर। दरवाजा ही नहीं है। नहीं है? ये लोग दरवाजा बनाते हैं ना, पैसे बचाते हैं ना, दरवाजा ही नहीं बनाते। उठाओ। आइए। ओह। असीम। चलो। 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 पांडे जी उठो।
और इस तरह तुम लोगों ने सारे प्लान फ्लॉप कर दिए, क्योंकि वो डील जिस बैग से होनी थी वो बैग डिकॉस्टा की गाड़ी में था। फिर मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि तुम लोग गोवा की ओर जा रहे हो, डिकॉस्टा के इलाके में। उस दिन से लेकर अभी तक मैं तुम लोगों का पीछा कर रहा था। सर आप पीछा कर रहे थे तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप सामने क्यों नहीं आए? हमें बचाया क्यों नहीं? फंसने क्यों दिया इतना? ये तो मैंने जानबूझ कर किया। सर क्यों? सर क्योंकि मैं चाहता था कि डिकॉस्टा तुम लोगों के पास आए ताकि मैं उसे रंगे हाथ पकड़ सकूं। क्योंकि डील तो होनी ही थी और उस डील के लिए वो बैग चाहिए था जो तुम लोगों के पास था। इसीलिए आज भी जब डिकॉस्टा के लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे तो मैंने तुम लोगों को इसलिए बचाया ताकि मैं तुम लोगों को समझा सकूं। यू गाइस सिंपली स्पॉइल्ड एवरीथिंग। अब मैं चाह करके भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई जस्ट कांट डू। सर ऐसा मत बोलिए प्लीज। वी रियली नीड टू की मदद चाहिए सर। तुम लोग जाओ यहां से, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। बड़ी हरामी चीज आ रही है पापा। अरे बहुत ज्यादा। अबे अबे तो डिकॉस्टा की गाड़ी है। अबे ये यहां बैग यही है। एक मिनट, एक मिनट, तोड़ 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 तोड़। ये निकाल निकाल। चल 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 चल। क्या है? बैग मिल गया। गाड़ी स्टार्ट कर। भाग भाग भाग। घुस घुस घुस। चलो यार। अबे अबे पुलिस स्टेशन है यार, यहाँ पे क्या कर रहे हो? चल 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 निकलो यार, यहाँ पे निकलो। Hi girls, we're back. Relax, relax. हो जाएगा, हो जाएगा। आपके पैसे। तो मेरा बैग ले आए। यस सर। सर ये लेकिन गोवा में आपने ये शिमला का फील क्यों दे रखा है? बर्फ से मुझे एलर्जी है और गर्म शराब मैं पीता नहीं हूं। तो आप फ्रिज ले लेते सर, अपने पूरे अड्डे को फ्रिज बनाने की क्या जरूरत थी? मतलब आपके कपड़े तो ठीक है सर, ये लड़कियों के कपड़े देखिए, हमारे कपड़े देखिए, ठंड लग रही है सर। ये देखिए एक मिनट सर, हमें ये कश्मीरी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं कि ये बैग आप खुद अपने हाथ से खुद खोलें। क्यों वस्ती? हाँ सर, आपका ये कश्मीरी एप्पल हमें रास्ते में कह रहा था कि माल आधा आधा कर लेते हैं फिर तुम लोग निकल जाओ। मैं जाके डिकॉस्टा से कह दूंगा कि पता नहीं तुम लोग कहाँ गायब हो गए हो। लेकिन सर हमारी गर्लफ्रेंड यहाँ पर है और हम आपके साथ धोखा करना थोड़ी ना चाहते हैं। वी आर प्रोफेशनल सर, इसके लिए पूरा माल लेकर आए हैं। कुछ दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर हो जा, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा राइट, हल्का सा और हल्का सा, अरे ज्यादा हो गया, थोड़ा सा लेफ्ट, बस बस फ्रीज हो जाए यहाँ पे। ए, ये तू क्या कर रहा है? नहीं सर, वो आपको और मुझे एक लेवल पर रहना चाहिए ना। आपका माल वापस लेके आए सो फील के लिए। बॉस 5 लाख कम है सर। वो तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 5 लाख रुपए हमसे खर्च हो गए। और सर मैं क्या सोच रहा था ना कि हम आपसे 5 लाख और ले लेते, 10 लाख का राउंड फिगर हो गया, 2 दिन बाद आपको सारे पैसे इकट्ठे वापस कर देंगे। क्या हो गया? ओए वापस करो यार, वापस करो पैसे। हाँ इसकी तो कुछ बात ही नहीं है सर, रख दिए वापस। बेटे ये क्या डिकॉस्टा अंकल? उस रात को पार्टी में मैं गन्स की डील करने गया था और बदले में मुझे 10 करोड़ के ड्रग्स और 1 करोड़ कैश देने थे, लेकिन तुम लोग मेरी गाड़ी लेकर भाग गए थे। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि तुम लोग गोवा आ गए थे। खैर जो हुआ सो हुआ,
लेकिन अब मैं तुम सब लोगों को छोड़ नहीं सकता। सर, सर दो दिन दे दीजिए, उसके बाद हम खुद अपने आप आपके पास आ जाएंगे सर। कश्मीरी सर, इन सब लोगों को खत्म कर दो। पकड़ो, चलो लाइन में रहो। अरे क्या? चलो 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 चलो। कैश कम ऑन यार। देखिए एक बार फिर से थोड़ा सु... अरे अरे कश्मीर, इसको इतना मत दबाओ, ये गैस मारता है और मैं मरने से पहले बदबू से नहीं मरना चाहता। सर प्लीज मेरी पोजीशन चेंज करा दो, प्लीज सर, मुझको नहीं मरना इसके साथ। अरे कश्मीरी सर, कश्मीरी सर सुनिए ना, देखिए मुझे भी जरा रजिया के साथ बांध दीजिए ना। देखिए हम जीते जी तो साथ नहीं हो पाए, लेकिन मरकर साथ हो सकते हैं, प्लीज। हाँ, और कैश यार मेरे को भी इलियाना के साथ बांध दो ना प्लीज। सो स्वीट ऑफ यू। चलो कौन कहाँ पे? ये वाली, ये मेरी है, ये पार्टी मेरी है, ये वाली। हाँ हो गया यार। सनी, इसे कैसे समझ में आया तू क्या बोल रहा था? ऐसे प्यार से देख रही थे को? प्यार की भाषा है, प्यार की भाषा है, सुना तुम लोगों ने, प्यार की भाषा है। आखिरी बार बांध रहा हूँ, इसके बाद नहीं खोलूंगा, याद रखना। जी जी, थोड़ा टाइट है। कश्मीरी भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ये कैसे? ये यार पेट्रोला, पेट्रोला। प्रताप कहाँ रह गया? प्रताप सकती है। प्रताप, ये प्रताप कौन है? प्रताप नहीं, इंस्पेक्टर प्रताप। डिकोस्टा, आप चलेंगे या बताएं कि ये सब कैसे हुआ? चलिए बता ही देता हूं। उस दिन न सही, आज आप पकड़े गए, चलें। दो घंटे में वापस आ जाऊंगा, चलिए देखते हैं। बाय बाय बाय, सी यू कैश। सर कहां रह गए थे आप, इतने देर से वेट कर रहे थे आपकी। सिगरेट लाने गया था, सिगरेट खत्म हो गई थी। क्या 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 सर, सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, आज वो प्रूफ भी हो जाता। सर नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं सर? सर हम पेट्रोल पंप बने खड़े हैं और आप वहां पे लाइटर जला रहे हैं। सर सच में स्मोकिंग किल्स। ओह थैंक यू जी सर। फ्री, थैंक यू सर। जाओ तुम। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो चलो चलो। अरे सुनो, तुम लोगों के लिए खबर है, अच्छी या बुरी ये तुम लोग डिसाइड कर लो। उस दिन डॉक्टर भामा की मौत के बाद तुम लोगों को पुलिस स्टेशन में इसलिए बिठा कर रखा क्योंकि तुम्हारी कहानी पर मुझे विश्वास नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद जब ये पता चली कि डॉक्टर भामा की मौत हार्ट अटैक से हुई है, उसके बाद मैंने तुम लोगों को जाने दिया। फिर मैंने इंडियन एस्ट्रोनॉमी एसोसिएशन को फोन करके तुम्हारी वो 7 दिन में दुनिया खत्म हो जाने वाली बात बताई। नासा और दुनिया के दूसरे साइंटिस्ट को यह बात पहले से पता थी, लोगों को इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि जाहिर सी बात है लोग डर जाते, अफरा तफरी मच जाती। अब से कुछ ही देर के बाद एक ज्वाइंट वेंचर के तहत एक न्यूक्लियर मिसाइल स्पेस में छोड़ा जाएगा जो उस एस्ट्रॉइड को तहस नहस कर देगा, इसलिए कम से कम परसों तो यह दुनिया खत्म नहीं होगी और तुम लोग मरोगे नहीं। ओके जाओ। तुम्हें नहीं गो, मेरा बाप तो मुझे जान से ही मार देगा, क्या कहूंगा मैं उससे? मेरी जॉब, यार मुझे नहीं जाना वापस, मैं नहीं जाऊंगा। क्या हुआ, ऐसे मुंह लटका क्यों बैठे हुए हो? जिंदा रहने का गम है क्या? एक बात बताओ,
तुम में से किसी को पता है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी बची हुई है? हो सकता है हम में से कोई आज मर जाए, या फिर कल, या फिर परसों। आज से 5 दिन पहले तुम्हारी जिंदगी कैसी थी? क्या कर रहे थे तुम लोग? परेशान थे अपनी जिंदगी से, क्योंकि तुमने मौत के बारे में कभी सोचा ही नहीं। अपना आज खराब करते रहे अपना फ्यूचर बनाने के लिए। और जैसे ही तुम्हें पता चला कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ 7 दिन बची हुई है और कहीं से 1 करोड़ रुपए का इंतजाम हो गया, तो निकल पड़े अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन क्या वो कर पाए जो करना चाहते थे? नहीं। 5 दिन में सिर्फ 5 लाख रुपए खर्च कर पाए तुम लोग। अब जस्ट थिंक अबाउट इट कि सब कुछ रहते हुए अगर अपने हिसाब से तुम अपनी जिंदगी के 7 दिन नहीं निकाल सके, तो पूरी जिंदगी की प्लानिंग करने से क्या फायदा? तुम्हारी किस्मत में जो लिखा था वो तुम्हारी प्लानिंग से बेहतर था, कहीं बेहतर था, और तुम्हें वही मिला जिसकी तुम्हें जरूरत थी। राहुल और शीतल जो इतने सालों से एक दूसरे को एक बात कहना चाहते थे, उन्होंने वो बात कह दी। असी तुम्हें और सनी तुम्हें, तुम दोनों को अपना अपना प्यार मिला। अगर हम हर दिन ये सोच करके बिताएं कि आज का दिन आखिरी दिन है, तो कम से कम अपने आप को तो खुश रख सकेंगे। जरा सोचो कि ये 5 दिन तुम्हारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे या नहीं। और हां, वो 11 करोड़ का माल और कैश जो तुम लोगों ने पकड़वाया, उसका 20% तुम लोगों को मिलेगा। आ जाना मेरे ऑफिस लेने के लिए, और हो सके तो एक बिजनेस शुरू कर लो, तो ये द एंड नहीं, बिगिनिंग होगी तुम्हारी नई जिंदगी। 2 करोड़ 20 लाख? अरे यार, इतने पैसे में तो हम एक मसाज पार्लर खोलेंगे, एक्सोटिक। नहीं यार, और हाँ, आप लोग जाया जाता है, खोला नहीं जाता। आइए हम लोग भी आज में जीना शुरू करते हैं, क्योंकि पता नहीं ये दुनिया कब खत्म हो जाए। हो सकता है ये आपकी आखिरी फिल्म हो, या फिर मेरी। नेक्स्ट फ्राइडे का क्या भरोसा, आए या ना आए। दिल तेरे नाम किया, ओह ये सरेआम किया, ओह क्यों जहां हो, कल जाने ना है कहां, हो रोकेगा कौन यहां, हो दिल के हम हैं बादशाह। जिले खुल के तू जरा अब कर ले मस्तियां, तू और मैं बस यहाँ वहाँ, क्यों इंतजार किया, कर ले जो दिल ने कहा, कहने दे तू सर फिरा, दुनिया से क्या है लेना, दिल की तो दिल ही जाने, दिल वाले है दीवाने, दिल से मिला ले दिल को, दिल वाले लिखते अफसाने, दिल का बचता एक तारा, सुन लेना तू दिलदारा, होने दे दिल गुलाबी, होने दे तू होने देना।